आज प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर ये जो थानागाजी की घटना हुई है उसके खिलाफ हम राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जब विधानसभा के चुनाव थे तो सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बाबा ने कहा कि हम सभी वर्गों की सुरक्षा करेंगे, अब मिलेगा न्याय। आप सब पत्रकार बंधुओं को अच्छी तरह पता है कि पिछले 5 महीने में राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसे हो रखी है, किस प्रकार का न्याय वो देना चाह रहे हैं। ये उनका घिनौना चेहरा, कुकृत्य हम सब के सामने आ गया। एक महिला के साथ गैंगरेप होता है 26 तारीख को, और चूंकि 29 और 6 मई को चुनाव थे इसलिए उन्होंने इस पर पर्दा डाला। एक दलित समाज की महिला के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हुआ, मैं तो ये सोचता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और अशोक गहलोत को त्यागपत्र देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो अपने भाषणों में बहुत बोलते थे कि महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, हम आएंगे तो महिलाओं के साथ न्याय करेंगे, यहाँ जिन्होंने चुनाव लड़ा था रिजू झुंझुनूवाला ने, उन्होंने भी ये कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, ऐसा सम्मान करेंगे ये लोगों की उम्मीद नहीं थी। ये घिनौना चेहरा, ये कुकृत्य इस सरकार के हैं, और मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है और आने वाले 1 साल में इन्हीं कुकृत्यों के कारण ये सरकार गिरेगी, ये सरकार जाएगी। और जिस प्रकार बेरोजगारों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवकों के साथ जिस प्रकार की वादा खिलाफी हुई है वो जनता देख रही है, और जो 23 तारीख को चुनाव आएंगे उस चुनाव का रिजल्ट ये बताएगा इस सरकार से जनता 5 महीने में कितनी त्रस्त हो गई। जय हिंद। आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थानागाजी के अंदर जो घटना घटी उसको लेकर के प्रदर्शन, धरने और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। आज यहाँ भी हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन हमारे एक मंडल अध्यक्ष माताश्री का देहांत होने की वजह से अब इस कार्यक्रम को स्थगित करके केवल ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है। और इस सरकार से, इस ज्ञापन के माध्यम से उसके कार्य कारनामों को उजागर किया गया है कि सरकार 5 महीने हो गए, एक तरफ वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ आए दिन महिला उत्पीड़न की कोई न कोई घटना घटित हो रही है, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है। आज एक ज्ञापन हमने बनाया, कल ही मकराना के अंदर भी सही घटना घटी हुई। ये थानागाजी की जो घटना थी वो 26 तारीख को घटना घटी और 2 तारीख को जाकर के उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है और चुनाव के बाद 7 तारीख को जाकर के और वो पब्लिकली पब्लिश होती है। तो इसके पीछे क्या सरकार की मंशा और क्या अधिकारियों की मंशा थी? अधिकारियों की मंशा हम कहते हैं सरकार के दबाव के अंदर उन्होंने इसको रोका, केवल चुनाव पूरे हो जाए, चुनाव में कोई विपरीत इसका इफेक्ट न हो, इस कारण से ऐसी जो घृणित घटना थी जिसके पति को बंधक बना करके उस महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, ऐसी घटना को दबा करके रखना ये घोर निंदनीय है। और हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से निवेदन करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए और इसके पहले इसकी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, और अगर इसकी जरूरत पड़े तो CBI से भी जांच कराई जाए, ऐसी हमने मांग की है। और ऐसी घटनाएं दोबारा न घटे इसके लिए सरकार को कोई न कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे जो अपने कानून बने हैं उन कानून के परिधि के अंदर लाकर के लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर चेक लग सके। धन्यवाद जी सर। देखिए, जो आए दिन जब से ये कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है तब से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा तो महिला उत्पीड़न का इतना जघन्य कांड हो रहे हैं, और जबकि इन्होंने विधानसभा चुनाव में छोटे मोटे कई कोई घटनाएं होगी तो इन्होंने बढ़ा चढ़ा के हम सरकार में आएंगे, हम महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं को संरक्षण देंगे, महिलाओं पे कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सरासर इस राजस्थान के इतिहास में पहले दफा हुआ है कि 26 तारीख को एक जघन्य कांड हुआ, उसको इन्होंने जानबूझकर दबाया। और उन्होंने इसलिए दबाया कि 29 तारीख और 6 तारीख को राजस्थान में चुनाव है, ऊपर से मैं तो कहूँ सरकार ने ऐसा प्रेशर, नहीं तो इसके अलावा ये हो नहीं सकता है, छोटी सी घटनाएं हो जाए वो भी तुरंत उजागर होती है, इन्होंने जानबूझकर ऊपर से प्रेशर डालकर प्रशासन को दबाया गया और ऐसे जघन्य कांड को उजागर नहीं होने दिया। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमने तो राष्ट्रपति जी का नाम ज्ञापन दिया है कि इस सरकार को भंग करनी चाहिए, सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि उन्होंने
उनको इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ राजस्थान में ये सरकार चलाने का नैतिक दायित्व बचा भी नहीं है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं है तो राष्ट्रपति को सरकार को इसको बर्खास्त करनी चाहिए।